बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। आयोजित पत्रकार परिषद में पत्रकारों के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले ने कहा कि संविधान बदलने का अधिकार किसी को भी नहीं है, यह मात्र कांग्रेस द्वारा निर्माण किया गया संभ्रम है। कांग्रेस द्वारा महायुति को कमजोर करने के प्रयास में महायुति की शक्ति और बढ़ रही है। नहीं, संविधान बदला नहीं जाएगा, विपक्ष को बदला जाएगा। मतलब विपक्ष जो है, इंडिया आघाड़ी जो है, इस इंडिया आघाड़ी की ताकत कमजोर करने का काम हम लोगों का है, लेकिन हमें कमज़ोर करते करते हमारी ताकत बढ़ने का एक फॉर्मूला हमारे पास है, और इसीलिए मतलब संविधान बदलने का विषय आता नहीं है। संविधान बदलने का किसको हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जानबूझकर दलित समाज में फूट पैदा करने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक मतलब देश के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, पूरे देश में जो नेशनल हाईवे थे पहले सिंगल ही रहते थे, अभी जब से नितिन गडकरी जी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने तब से कई बड़े बड़े नेशनल हाईवे बने हैं, बहुत अच्छे रोड बने हैं, समृद्धि मार्ग बना है, मुंबई दिल्ली का भी डेवलपमेंट अपना रोड 12 घंटे में जाने का बन रहा है, पूरा हो रहा है, रेल की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, वंदे भारत ट्रेन बहुत अच्छी तरह चल रही है, और जो एयर की कनेक्टिविटी वो भी बढ़ रही है, बहुत सारे एयरपोर्ट अच्छे बनने से बेरोजगारों को रोजगार भी जगह जगह पर मिल रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि विकास बहुत गति से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए जनता हमें ज़रूर पूरा सपोर्ट करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। एक समय था कि आरपीआई कांग्रेस के साथ सरकार में थी, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए आरपीआई के अध्यक्ष आठवले ने बड़े ही शायराना अंदाज में जवाब दिया, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में हमारा भी था हिस्सा, लेकिन वह कुछ अलग था किस्सा। हम सरकार में तो थे लेकिन सत्ता हमारे हाथ में नहीं थी। 3 बार कांग्रेस ने मुझे लोकसभा में भेजे लेकिन मंत्री पद कभी नहीं दिया गया। साथ ही कांग्रेस की सरकार में बाबा साहेब मेमोरियल के कोई भी काम नहीं किए गए। वहीं भाजपा की मोदी सरकार में बाबा साहेब की स्मृति में कई कार्य किए गए, ऐसा भी उन्होंने इस वक्त बताया। नहीं नहीं, हमारा भी एक था हिस्सा, लेकिन वो था अलग सा हिस्सा, मतलब वो जो नहीं नहीं हम उनके साथ थे लेकिन हमारे हाथ में कोई सत्ता नहीं थी जब मैं उनके साथ था। मुझे 3 बार लोकसभा में भेजने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, लेकिन आरपीआई को मंत्री पद देने को उनके ध्यान में आया नहीं। दूसरा, मैं उनके साथ था लेकिन सत्ता मेरे हाथ में नहीं थी, मतलब मैं खाली उनके साथ था। इसीलिए मतलब कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में मैंने बाबा साहब के मेमोरियल के लिए 10 बार सोशल जस्टिस मिनिस्टर की भेंट की, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मैं बहुत बार मिला, लेकिन बाबा साहब के एक भी मेमोरियल का काम उन्होंने हाथ में लिया नहीं। तो जब मोदी जी आ गए, उन्होंने 26 अली को रोड का मेमोरियल बनाया, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया, मुंबई का हिंदू मिल का जो बड़ा स्मारक है 1200 करोड़ रुपए खर्चा करके बन रहा है, वहाँ 350 फीट का और 100 फीट का फाउंडेशन, ऐसा 450 फीट का स्टैचू खड़ा हो रहा है। तो उसी टाइम पर मतलब काम होते नहीं थे, उनको इजी सत्ता मिलती थी तो वो ज़्यादा सीरियसली काम नहीं करते थे। मोदी जी सीरियसली सोच कर काम करते हैं, महिला आरक्षण बिल पास करने का भी बहुत हिस्टोरिकल निर्णय उन्होंने ले लिया है, और 370 आर्टिकल हटाने की बात जो है वो मतलब होने के बाद जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा लहर रहा है, वहाँ का आतंकवाद 99% खत्म हो चुका है, और वहाँ पूरे टूरिस्ट बहुत ही मतलब कोई डर ना उनके मन में ना रखते हुए वहाँ जा रहे, वर्ल्ड के टूरिस्ट हो या इंडिया के टूरिस्ट हो। इसीलिए मुझे लगता है कि इस 10 सालों में बहुत सारे निर्णय हुए हैं, और इसीलिए जनता हमारे साथ है, और कांग्रेस पार्टी को ऊपर उठना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को भविष्य नज़र नहीं आता है, और इसीलिए राहुल गांधी कितनी भी कोशिश करे, मोदी जी के खिलाफ जितनी बात करना है उतनी बात करे। 2019 में राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पर मोदी जी को घेरने का काम किया था, रोज़ मतलब न्यूज़पेपर में इतने यहाँ भ्रष्टाचार हुआ ऐसा रोज़ न्यूज़ आती थी,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफ़ी मांगने के लिए बोला और राफेल के परचेसिंग में कोई घोटाला बिल्कुल नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। इसीलिए मुझे लगता है कि माहौल आज हमारे तरफ से है और इसीलिए हमको सत्ता मिलना इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है। कैमरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।